नमस्ते, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मॉर्निंग बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। आज जिस घर में शादी की शहनाई गूंजनी थी, वहां आज मातम पसरा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग इमारत के गोदाम में लगी थी। आग इतनी तेजी से फैली कि पहले फ्लोर पर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आग की लपटों में झुलसकर एक बुजुर्ग माँ, बेटी और बेटी के 3 बच्चों की मौत हो गई। 3 बच्चों की उम्र 12, 7 और 3 साल थी। दूसरे फ्लोर पर मौजूद 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मुरादाबाद के थाना गल शहीद इलाके में रहने वाले इरशाद कुरैशी के दामाद जावेद कुरैशी की 2 बेटियों की 26 अगस्त यानी कि आज शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए इरशाद कुरैशी की उत्तराखंड के रानीखेत में रहने वाली बेटी शमा परवीन अपने 3 बच्चों के साथ आई थी। शमा परवीन अपने पिता के घर पर ही रुकी हुई थी। पहली मंजिल पर वो अपनी माँ के साथ और बच्चों के साथ थी। कुछ ही पल में इस घर की सारी खुशियाँ खाक हो गईं। जिस घर में शहनाई गूंज रही थी, अब वहाँ मातम पसरा है। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस के आला अधिकारियों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 7 लोगों को दूसरी मंजिल से नीचे उतारा और अस्पताल में भर्ती करा दिया। मकान के पहले फ्लोर से फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 बच्चों और 2 महिलाओं को निकालकर जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उन सभी को मृत घोषित कर दिया। इरशाद के घर के नीचे स्क्रैप और पुराने टायर का गोदाम था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, लेकिन फिर भी इसकी जांच की जा रही है। मौके पर पहुंचे सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन और मुरादाबाद देहात से सपा विधायक हाजी नसीर कुरैशी ने सरकार से मृतकों के परिजनों के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की है। बेसमेंट में इनकी आग लगी है। आग लगने की वजह से यहाँ कुछ लोग थे जो फंसे थे, उनमें से 7 लोग को फायर टीम ने सीएफओडी के साथ रेस्क्यू किया है और 5 लोग जो ग्रेवली इंजर्ड है उसको यहाँ पे मेडिकल केयर के लिए ले जाया गया है। जिस परिसर में सर आग लगी है, वहाँ कुछ काम होता था, किस चीज में इतना बड़ा? वहाँ पर नीचे इन्होंने कुछ सामान रखा हुआ था। अब सामान क्या था नहीं वो देखने वाली बात है, बट उसमें आग लगी है। प्रथम सर कौन कौन पहुंचे हैं आपके, प्रशासन और पुलिस की तरफ? प्रशासन के डीएम साहब और मैं मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा सारा यहाँ पे एसपी सिटी और डीएम सिटी मजिस्ट्रेट सब मौजूद है। अब सर आग बुझा दी गई है? आग बुझा दी गई है। वहीं अब रुक करते हैं दूसरी खबर का, जहां कुशीनगर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक घर में पिछले 4 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग रही है, जिसके चलते पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। पीड़ित परिवार आग लगने से बेहद परेशान है, लेकिन आग क्यों लग रही है इसका कारण अभी तक नहीं पता चला। आप भी देखिए कुशीनगर की ये तस्वीर है। आपने अक्सर ही घरों में आग लगने के अलग अलग हादसों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन कुशीनगर से घर में आग लगने का अजीब और गरीब मामला सामने आया है, जहां इस घर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त पर अचानक आग लगी, लेकिन आग लगने का कोई भी कारण सामने नहीं आया। अब ये सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। कसिया थाना क्षेत्र मंगलपुर के राम केवल प्रजापति के घर में बीते 4 दिनों से लग रही रहस्यमय आग ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है। इस घर में रहने वाले लोगों का कहना है कि अलग अलग वक्त पर घर में रखे सामानों में आग लग गई, छत पर सूख रहे कपड़ों में आग लग गई और हद तो तब पार हो गई जब गीले कपड़ों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन आग लगने जैसे किसी भी कारण का पता नहीं चल पाया है। घर में बार बार लग रही इस रहस्यमय आग के कारण इलाके के लोगों में भी खौफ का माहौल बना हुआ है। जिन लोगों के घर में ये घटना घट रही है, उन्होंने अपने घर के सारे सामान को निकाल कर बाहर रख दिया, साथ ही उस सामान को भी बाहर निकाल दिया जिसमें पहले आग लग चुकी है। लेकिन पहले दिन आग लगी तो सोचे गए कहीं से लग गया, लेकिन फिर तुरंत 1-2 घंटे के बाद छत पे लग गया। हम जब तैयार होकर जाने लगे अपने क्लिनिक पे, उसी समय लगा। अब इस चीज को इससे बार बार हो रहा है, लेकिन अब इसको हमको विश्वास, पूर्ण विश्वास हो गया कि कुछ किसी न किसी रूप से हमारे घर में आग लग रहा है। तो मतलब क्या लगता है कि किसके द्वारा, क्या मतलब कोई, या तो मान लीजिए कि अब कोई बाहरी चीज हो हमारे घर में, या कहीं से भेजा गया हो। जैसे मान लीजिए जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं ब्रह्म है, कोई कह रहा है कि मसान है, लेकिन अब इसी से लग रहा है। कई लोग तांत्रिकों से हम दिखा भी चुके हैं, लेकिन अभी हमको कोई राहत नहीं मिली है। इसके साथ ही पड़ोसियों ने भी बताया कि किस तरह आसपास के लोगों में भी इस घटना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। आज का जो
माहौल था यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे खड़े थे और दो तीन बच्चे इस छत पे जो कि यहाँ पे खड़े थे, और उसके बाद से एक बच्चे बगल के छत से आए और बोल रहे हैं कि ऊपर आग लग गया, तो सभी लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ऊपर जो है कि आग जो है कि पकड़ा हुआ है, सभी लोग बुझाए। ये देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और यह अद्भुत घटना है, बहुत कष्टदायी घटना है, और इस मोहल्ले में सभी लोग दहशत के माहौल में हैं और ये लोग सारा सामान अपना निकाल करके बाहर फेंक दिए हैं, और कुछ तो बहुत काफ़ी सामान जला है, उसको गड्ढे में गड़ही में इधर उधर लोग फेंके हैं। वहीं लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर आग से हुई क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट शासन को भेज दी है और मुआवजा दिलाने की बात तो जरूर कही है, लेकिन अब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है कि ये आग कैसे लग रही है। पंजाब में पीएम मोदी के सुरक्षा काफिले में चूक पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई की, तो वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में गांधी परिवार को जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि जिस समय पीएम की सुरक्षा में चूक हुई उस समय डीजीपी, मुख्य सचिव और चरणजीत सिंह चन्नी तक गायब थे। उन्होंने कहा कि ये चूक स्वाभाविक नहीं बल्कि जानबूझकर की गई थी। जो आरोप उस समय हमने लगाए भी थे और जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ तत्कालीन कांग्रेस की पंजाब की सरकार में हुआ, उस पर जो विषय आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उपचारी उपाय क्या हो, सेफगार्ड्स कैसे रखे जाएं, रक्षा कैसे की जाए, उसको लेकर भी जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वहां पर ये भी बताया है कि किस तरह से फिरोजपुर के एसएसपी पूरी तरह से विफल हुए प्रधानमंत्री जी की यात्रा में सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, और कानून व्यवस्था बनाए रखने पूरी तरह से विफल हुए, जबकि उनके पास 2 घंटे का पर्याप्त समय था अल्टरनेटिव रूट का, सड़क मार्ग का, लेकिन वो पूरी तरह से विफल पंजाब की सरकार, पंजाब का पुलिस तंत्र, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में खिलवाड़ जिस तरह से हुआ, जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई उस पर आज बहुत बड़ी जानकारी आप सबके सामने आई भी है। लेकिन मित्रों, बात यह है कि वो किस समय की घटना है। आपको अगर याद होगा, अगर आप इस फोटोग्राफ को देखें, ये 5 जनवरी 2022 की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब के दौरे पर थे और इस कार्यक्रम में पहले से जानकारी दी गई थी, ड्रिल्स पूरे किए गए, एसपीजी ने स्थानीय सरकार को, पुलिस प्रशासन को, सबको बताया कि खराब मौसम के चलते सड़क रूट लिया जा सकता है, और सड़क रूट की ड्रिल भी हुई, और उसके होने के बाद जब ये कहा गया कि यहाँ क्या क्या चाहिए, उस पर भी पूरी तरह से विफल तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, पंजाब की सरकार रही। जब प्रधानमंत्री जी पंजाब पहुंचे, किसी भी राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी जाएं, तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मुख्य सचिव, वहां के डीजीपी पुलिस यानी कि डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो वहां पर रहते हैं, लेकिन तीनों के तीनों वहां से गायब थे, अनुपस्थित थे। कारण क्या था? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी का ना होना, ये किसका षड्यंत्र था, कौन इनके पीछे थे? क्योंकि केवल यहीं तक नहीं रुके, जब प्रधानमंत्री जी का काफिला इंतजार करने के बाद डीजीपी पंजाब के पूरे कहने के बाद कि रूट सुरक्षित भी है, सैनिटाइज्ड भी है, ये आने के बाद, जानकारी आने के बाद एसपीजी ने चलने के लिए कहा, तब भी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी गायब थे, उनकी गाड़ियां थी लेकिन वो नहीं थे, प्रधानमंत्री जी को अकेला पंजाब में छोड़ दिया, और जिस पुल पे जाकर वो उनका काफिला रुका उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारी। आप कल्पना कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री पुल पर हो, 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर हो, जहां पे तोप की आप रेंज में हो, स्नाइपर्स की रेंज में हो सकते हो, वहां से गोली बारूद चल, कुछ भी हो सकता था, और पंजाब पुलिस
मूक दर्शक बनकर 20 मिनट तक खड़ी रही। पंजाब के मुख्यमंत्री फोन पर भी उपलब्ध नहीं थे, ना व्यक्तिगत तौर पर थे। एसएसपी ने हाथ खड़े कर दिए थे। आखिरकार ये रूट किसने बताया था? आंदोलनकारियों को रूट पर कैसे आए? मात्र 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारियों ने कैसे घेरा बना लिया? कुछ भी हो सकता था, लेकिन पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता ये कहते 20 मिनट ही तो थे। अरे 2 मिनट भी बहुत होते हैं कुछ भी होने के लिए। इस देश ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को, चाहे प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या बड़े नेता हो, बहुत को खोया है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ के कारण खोया है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा की गई? महत्वपूर्ण लोग घटनास्थल से गायब क्यों थे? ये सवाल बार बार उठता है। और यही नहीं, प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रूट के बारे में जानकारी किसने दी? और अगर ये सुरक्षित और सैनिटाइज रूट था तो आंदोलनकारी आए कैसे? एसएसपी किससे बार बार फोन पर बात कर रहे थे? किसके निर्देश ले रहे थे? मुख्यमंत्री ने बहाना मार दिया कि उनको कोविड है, लेकिन चंद घंटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, पब्लिक से भी मिलते हैं और बगैर मास्क के मिलते हैं। कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के बड़े नेताओं, आकाओं से, जिस परिवार का इस पार्टी पर राज है, उस पार्टी के नेताओं को बार बार जानकारी देते हैं कि सुरक्षा में ये हुआ ये हुआ। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित, वो उन्होंने तो कहा स्वाभाविक था। क्या कहा उन्होंने? मुख्यमंत्री चन्नी ने उस समय कहा ये कुदरती थी, सुरक्षा भंग होना कहते कुदरती था, स्वाभाविक था। ये स्वाभाविक नहीं, सुनियोजित था। ये षड्यंत्र किसका था? क्या चाहते थे इस घटना से? वो पंजाब में, जहां सिटिक मुख्यमंत्री की हत्या हो चुकी हो पहले, इस देश में कई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी, उस समय खिलवाड़े किसके कहने पर हुआ? और इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि बार बार चन्नी जी ने ऐसे बयान दिए? मैं तो यही कहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि आप चुनावों में ना घेर पाओ, संसद में ना घेर पाओ, सवालों में ना घेर पाओ, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करो। सवाल ये उठता है कि ये नौकरशाह, ये पुलिस अधिकारी किसके इशारे पर ये खेल खेल रहे थे और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ हिला हवाली कर रहे थे, लीपा पोती कर रहे थे, किसके कहने पर कर रहे थे? सीएम चन्नी बार बार झूठ बोल रहे थे, ये किसकी ओर इशारा करता है? किस परिवार और किस पार्टी के नेता को वो रिपोर्टिंग बार बार कर रहे थे? सीएम की भाषा में इतना घमंड, इतना झलझलापन, ये अपने आप में दिखाता है कि अपने आप नहीं, अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। ये कहना 20 मिनट रुके कुछ हुआ तो नहीं, कितनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। इससे तो यही पता चलता है कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ। यही नहीं रुके, अभी प्रधानमंत्री जी का तेलंगाना का दौरा था, उस समय भी प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर आने से ठीक पहले उसी समय पर इतने बड़े बड़े काले गुब्बारे छोड़ दिए, ये भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला था। बाहुबली नेता अब्बास अंसारी अब भी लखनऊ पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ऐसे में एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया है। ये किस केस में किया गया है और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कुछ बैल अपनी सींग काढ़ के खड़े हैं, समय वक्त आने दीजिए,
फूटे में यही ना बांध दिया तो आप भी कहिएगा। बारह टीमें, आठ राज्य और 135 ठिकानों पर रेड, फिर भी अब्बास अंसारी फरार। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी अब भी फरार है। 43 दिन में पुलिस की 12 टीमों ने उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों के अलग अलग 135 जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी के बाद भी विधायक अब्बास अंसारी का कोई पता नहीं चला। लखनऊ पुलिस ने आज अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी डाली थी। अर्जी तो पहले भी डाली थी लेकिन तब अर्जी खारिज हो गई थी, लेकिन आज पुलिस के अर्जी पे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अब अब्बास अंसारी की जो संपत्ति है वो कुर्की होगी। जिस दिन लखनऊ से आ रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला था, अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रखिए। मऊ, लखनऊ, गाजीपुर, अब्बास अंसारी की संपत्ति को पहले पुलिस चिन्हित करेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, क्योंकि किसी भी आरोपी को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अदालत कभी भी आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर सकती है। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क होने का आदेश कभी भी जारी हो सकता है। 43 दिन से अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस लखनऊ से लेकर पंजाब और राजस्थान में छापेमारी कर रही है। गौरतलब 14 जुलाई को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी से लेकर पंजाब, राजस्थान में अब्बास अंसारी की पड़ताल कर रही है। आखिर क्या है मामला, क्यों फरार है अब्बास अंसारी, एक बार नजर डालते हैं। मामला 2019 का है, शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग का है मामला। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। मऊ के विधायक अब्बास अंसारी का लास्ट लोकेशन पंजाब का मिला था। कुछ दिन पहले भी राष्ट्रपति चुनाव में गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्बास अंसारी ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाला था। 2 दिन पहले अब्बास अंसारी ने सरेंडर करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही अब्बास अंसारी ने सरेंडर एप्लीकेशन वापस ले लिया था। कुछ बैल अपनी सींग काढ़ के खड़े हैं, समय वक्त आने दीजिए, फूटे में यही ना बांध दिया तो आप भी कहिएगा। उत्तराखंड के जोशी मठ में प्रशिक्षण से लौट रहे सेना के जवानों की एक गाड़ी 1000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गई। हादसे में एक जवान शहीद हो गया। जब उसका पार्थिव शरीर उसके घर अलीगढ़ पहुंचा तो गांव में मातम छा गया। आपको दिखाते हैं तस्वीरें अलीगढ़ से। उत्तराखंड के जोशीमठ में ट्रेनिंग से वापस कैंप जा रही मिलिट्री के जवानों की एक गाड़ी लगभग 1000 फुट पहाड़ी की ऊंचाई से अचानक नीचे गिर गई। हादसे में थाना अकराबाद इलाके के गांव इरिखनी निवासी जवान जसवीर सिंह यादव शहीद हो गए, जबकि गाड़ी चला रहे जवान को गंभीर हालत में देहरादून के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी जैसे ही मृतक के परिजन और ग्रामीणों को मिली तो गाँव में मातम का माहौल छा गया। हादसे के बीच चीख पुकार का माहौल खड़ा हो गया। तो हमें कल सुबह 6:20 पे मैसेज मिला था यूनिट से, गाड़ी पलटी हुई है, तो बंदा ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से गए 6:30-7 बजे करीब यहाँ से। उसके बाद में जो तो कार्रवाई की उन्होंने बताया ऐसे से गाड़ी पलटी थी, तो पलटी गाड़ी ने मारी थी और उसके बाद में निकाला है, ठीक ठाक खड़ा हुआ है। MS लेके गए वहाँ तक, बोलता है MS जाने के बाद तो नहीं। मिली जानकारी के अनुसार अकराबाद थाना इलाके के गांव इरिखनी निवासी मक्खन सिंह यादव के 2 बेटों में बड़ा बेटा जसवीर सिंह आर्मी में आर्टिलरी कोर में हवलदार पद पर तैनात थे। इन दिनों उनकी उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में ड्यूटी चल रही थी। जोशीमठ के पास चल रही ट्रेनिंग से वो चालक के साथ एयरलेस विद गन गाड़ी से वापस कैंप की ओर पहुंच रहे थे। इसी बीच पहाड़ी पर चढ़ाई के दौरान अचानक गाड़ी लगभग 1000 फुट की ऊंचाई से नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में 42 वर्षीय हवलदार जसवीर सिंह यादव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
हादसे की जानकारी पर परिवार और ग्रामीणों में कोहराम मचा हुआ है। जसवीर सिंह का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो गांव के लोगों ने तिरंगा यात्रा के साथ श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ग्रामीणों ने शहीद सैनिक के प्रति भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। ड्यूटी के दौरान शहीद जसवीर सिंह 19 फरवरी 2001 को सेना में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। मृतक सैनिक जसवीर सिंह के 4 बच्चे हैं। पत्नी सीमा का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिवार के लोगों ने इलाके की सड़क को दुरुस्त कर शहीद सैनिक के नाम पर रखने की मांग की है। वहीं शहीद जसवीर सिंह के नाम पर गांव के द्वार और पार्क बनाने की मांग परिजनों ने की है। जसवीर सिंह जी ये फौज में हवलदार थे और जिनके असामायिक निधन इनका हुआ है, हम लोगों ने पूर्ण राजकीय सम्मान से इनका अंत्येष्टि कराई गई है, सलामी दी गई है और जो उनकी गरिमा के अनुकूल था। सर उसमें जो है शहीद पार्क को लेकर कोई मांग की गई है? हाँ, मांग की गई है। हमने इनको अपने स्टाफ को निर्देशित कर दिया है कि कोई जगह देख के और अगर LMC प्रस्ताव कर देती है तो हम स्वीकृत करते हैं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में पिछले 4 दिनों से अग्निवीर भर्ती चल रही है। कुमाऊं के युवा अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन आज एक अनोखा मामला सामने आया है जब एक युवक फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ पूरा मामला है जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अग्निपथ योजना या फिर अग्निवीर योजना, ये नाम जब भी जहन में आता है तो इससे जुड़े बवाल के ख्याल भी मन के भीतर आने लगते हैं। लेकिन आजकल ये नाम किन्हीं और वजह से ही सुर्खियों में बना हुआ है और वजह बेहद हैरान कर देने वाली है। जहां उत्तराखंड के रानीखेत में हो रही भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती में फर्जी दस्तावेज लगाकर भर्ती होने का मामला सामने आया है। अग्निवीर भर्ती के लिए आए युवक के दस्तावेज और प्रवेश पत्र में गड़बड़ी होने के चलते सेना के अधिकारियों को उस पर शक हुआ, जिसके बाद संदिग्ध युवक को सेना के अधिकारियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल सोमनाथ ग्राउंड रानीखेत में भर्ती के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री पुलिस और भर्ती कार्यालय की संयुक्त कार्यवाही के दौरान एक युवक को फर्जी दस्तावेज होने के शक पर पकड़ लिया गया और पुलिस को सूचित कर हैंडओवर कर दिया गया, जिसके बाद रानीखेत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पाया कि एक युवक जिसका नाम ताहिर खान पुत्र एहसान खान निवासी अलीपुरा थाना ककोड तहसील सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, जिसने अपने फर्जी स्थायी निवास, जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जनपद नैनीताल के हल्द्वानी के बताए हैं। हालांकि ताहिर खान को मिले एडमिट कार्ड में दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और युवक के नाम पर दर्ज मिला, जिससे आर्मी के अधिकारियों को उस पर शक हुआ। प्रकरण में आरओ भर्ती बोर्ड के तहरीर के आधार पर ताहिर खान को गिरफ्तार कर कोतवाली रानीखेत में IPC की धारा 420 में मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। एक अमित नाम से जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके जब वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो यहाँ पर वो ताहिर नाम से पाया गया। ताहिर नाम का लड़का है ये और रहने वाला है बुलंदशहर का, और इसने यहाँ पर सर्टिफिकेट जो बनवाए यहाँ हल्द्वानी SDM कोर्ट से इसने अपना स्थायी निवास का बनवाया और गदरपुर से एक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र बनवा रखा है। तो उसमें प्रथम दृष्टया देखने से पाया गया है कि इसने रहने वाला ये बुलंदशहर का है और ये आर्मी में भर्ती होने के लिए इसने स्थायी निवास यहाँ उत्तराखंड का हल्द्वानी से बनवा के और ये भर्ती होने का प्रयास कर रहा था। इसमें आर्मी की तरफ से एक हमें तहरीर दी गई है, उसके अनुसार हमने इसमें मुकदमा लिख दिया है और इन्वेस्टिगेशन हमारे SSI कर रहे हैं। इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, इसको रिमांड पर लिया जा रहा है, आज रिमांड लिया जा रहा है, इसका जेल भेजा जाएगा माननीय न्यायालय के आदेश से जैसा भी होगा और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गौर करने वाली बात है कि इतने कड़े नियम होने के बावजूद भी ताहिर ने नाम बदलकर भर्ती में गड़बड़ी करने की कोशिश की और आखिर उसे अपना नाम बदलकर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे आखिर क्या मकसद है, ये कई सवाल हैं जिनका जवाब पकड़े गए ताहिर से पूछताछ के बाद ही मिल पाएगा।
कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत पर खबर आई थी कि उनकी हालत में सुधार हो गया है। उन्होंने अपनी पत्नी से बात की है। कॉमेडियन के दोस्त सुनील पाल ने भी वीडियो जारी कर अपडेट दिया था कि वो होश में आ गए हैं। लेकिन आपको जानकर निराशा हाथ लगेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या है पूरी सच्चाई, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राजू श्रीवास्तव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है। इस बात की पुष्टि उनके पर्सनल सेक्रेटरी गर्वित नारंग ने दी है। हालांकि राजू श्रीवास्तव के भतीजे मयंक श्रीवास्तव ने इन खबरों को सिरे से नकार दिया है। मयंक का कहना है कि राजू श्रीवास्तव को होश नहीं आया है, उनके होश में आने की खबरें बेबुनियाद हैं। हालांकि राजू श्रीवास्तव की हालत को स्थिर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि धीरे धीरे वो ठीक हो रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के पर्सनल सेक्रेटरी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है। गर्वित ने बताया कि उन्हें करीब 15 दिनों के बाद होश आया है। टीवी 9 ने खुद को राजू श्रीवास्तव का पर्सनल सेक्रेटरी बताने वाले गर्वित नारंग से बात की थी। उन्होंने हमें ये पुष्टि की कि वो कानपुर हैं। उन्होंने कानपुर से ही राजू श्रीवास्तव के होश में आने की खबर दी थी। वहीं जब इस खबर पर हमने राजू के भतीजे मयंक की प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजू का परिवार यानी हम लोग अस्पताल में है। कानपुर से गर्वित कैसे उनके होश में आने की खबर दे सकते हैं? आप परिवार की बात पर यकीन कीजिए। राजू श्रीवास्तव को होश नहीं आया है। गर्वित राजू श्रीवास्तव का काम तभी देखते हैं जब वो कानपुर जाते हैं। फिलहाल यहाँ उनकी देखरेख के लिए उनका परिवार मौजूद है। मयंक ने यह भी कहा कि कोई भी राजू श्रीवास्तव के बारे में मीडिया में प्रवक्ता के तौर पर बोल रहा है, जबकि उनकी हेल्थ की सही जानकारी परिवार के सदस्यों को है, इसलिए किसी भी गलत जानकारी पर ध्यान ना दें। जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें एम्स में एडमिट करवाया गया था। हालांकि राजू श्रीवास्तव के परिजनों का कहना है कि वो एक फाइटर है और जल्द ही अपने दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आज के दिन की खासियत भी जान लीजिए। 26 अगस्त 1910 की तारीख इतिहास में भारत रत्न मदर टेरेसा के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। 20वीं सदी में जन्म लेने वाले लोगों को सदा इस बात का गुरूर रहेगा कि उन्होंने उस दौर में सांस ली है जिसमें मदर टेरेसा जैसी महान विभूति इस दुनिया में थी। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।